सड़कां ते उतरी पंजाब पुलिस, खाकी वर्दी दियां लगियां लाइना, नशे दे सुदागरां नूं पईयां भाजड़ां। अज फिरोजपुर विच नशे नूं लै के कई थावां ते छापेमारी कीती। इस दौरान फिरोजपुर की बस्ती शेखांवाली विच DIG राकेश कौशल अते SSP फिरोजपुर कंवरदीप कौर वलों 300 दे करीब पुलिस मुलाजमां दी टीम समेत रेड की गई। इस दौरान जानकारी देंदिआं DIG राकेश कौशल ने दस्सिआ कि समाज दे समाजिक ताने बाणे नूं विगड़न वाले माड़े अंसरां नूं फड़न लई नशा प्रभावित थावां ते छापेमारी की गई है। छापेमारी दौरान कुछ के नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। इस मौके DSP फिरोजपुर ने कहा कि जिला पुलिस समाज विरोधी अंसरां अपराधियां नशा तस्करां अते होर माड़े अंसरां नूं नत्थ पाउण लई पूरी तरह तैयार हन। साडे जिहड़े मानयोग DGP श्री गौरव यादव जी ने उन्होंने स्पैशल एक कैस ऑपरेशन चलाया, सारे पंजाब चल रहा जी, और उस कड़ी के तहत मेरी ड्यूटी लगी है फिरोजपुर। इत्थे 80 दे करीब पार्टीज जिहड़ियां हैगियां सी, 80 जगह दे उपर असी ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 300 तो उपर जवान और ऑफिसर लगाए गए हैं एंड सम रिकवरीज हैव बीन मेड ऑलसो। उस बारे तुम SSP साहब लोकल ब्रीफ कर देंगे, बाद शी गिव यू प्रॉपर डिटेल ऑलसो की होया की नहीं होया। सर ये जी सर्च है ये किस को लेकर की जा रही है? दिस इज ड्रग्स, ड्रग्स के उपर कंसल्ट करके जो ड्रग पैडलर्स जो ड्रग बेचते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की मानयोग सीएम साहब भी यही प्रायोरिटीज है कि ड्रग के उपर नकेल कसी जाए, जोड़े ड्रग्स बेचते हैं या धंधा करते हैं उन्होंने पकड़ के अंदर किया जाए। नहीं ऐसा देखो, मैं हमेशा आई हैव गॉट ए वेरी लोंग करियर, मैं तो यही कहना होना कि आप जनरल गल करते हैं हमेशा कि वे शिकारी दसो कि वा शिकारी दिख लिया है, कैन यू नेम वन? तुम एक भी नाम नहीं ले सकते सर। जो असी सर्च करते हैं, असी कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, साडा यही मकसद हों कि जोड़ा भी माड़ा आंसर है जोड़ा इस चीज़ से शामिल है वह खिलाफ़ कार्रवाई की है, चाहे वह 10 ग्राम होए, चाहे 1 किलो होए, चाहे 2 किलो होए। डेली तुम पढ़ रहे हो, पेपर आ रहे, ड्रोनस में शॉट किया जा रहा, ड्रोनस गिर रहे हैं, उन्होंने तो रिकवरीज हो रही, दूसरिया पुलिस पार्टीज भी रिकवरीज कर रही। अब पिछले थोड़े दिन पहले पाइप राही एक बहुत मेजर रिकवरी हुई है, ठीक है। नहीं सो ये नहीं आप कह सकते कि जो बड़िया मच्छियां जहाँ तुम सब दसो यू कोऑपरेट विद अस लोकल पुलिस, तुम इनफॉर्म करो कि फलाना बंदा ड्रग बेचता, अगर पुलिस ना कार्रवाई करे देन यू कैन से कि बड़ी मच्छी लगातार रेट हो रही है। रेड लगातार इस वास्ते किए जा रहे हैं, ऑपरेशन इस वास्ते लगातार किए जा रहे हैं कि असी अपना जो प्रेशर है DGP साहब वो कॉन्टीन्यूसली बिल्डअप करना चाहते हैं। असी उस प्रेशर नूं जिहड़ा एक करी बनाया है असी नूं मेनटेन करना चाहते हैं। असं ये नहीं चाहते कि अज जिवें पहले अभी एक बार रेड कर लिया मुड़ के 2 महीने कोई पुलिस पार्टी उस पास गई नहीं, कोई लभ्या ही नहीं, जेडे 4 बंदे करते जिदा पहले पुराने टाइम हुंदा सीगा कि कभी जे कि यही गल हुई लोगों ने 2-4 दिन धंधा बंद किया फिर शुरू कर लिया। ये मुसलसल जरा असी बार बार ही रेड कर रहे हैं, बार बार DG साहब ऑपरेशन चला रहे हैं और इन्हें लार्ज स्केल लैवल से चला रहे हैं। देखो ये इंस्ट्रक्शन यही सगिया ऑल SSPs ऑल कमिश्नरेट ऑल रेंज DIGs कि तुसी अपनी मैक्सिमम फोर्स मोबिलाइज करके इस ऑपरेशन से लगानी है। आफ्टरऑल पुलिस दी बहुत सारी ड्यूटीज़ ने, सानू किसी ड्यूटी तो ड्यूटी कट के तो लगानी पैंदी है, दैट इज़ ऑलसो अ प्रॉब्लम, बट दिस इज़ दी प्रायोरिटी। असी हमेशा पंजाब पुलिस ने प्रायोरिटीज़ से काम किया, चाहे टेररिज्म होए, चाहे ड्रग्स होए, चाहे कोई होर होए, तो ये असी इस वास्ते बार बार इस ऑपरेशन चला रहे हैं कि लोगों च कॉन्फिडेंस जोड़ा है वो बहाल रहे और जो माड़ा आंसर वो डरे वो ये ना सोचे कि मैंने अज क्रिएट हो गया तो मैंने खुली छुट्टी मिल गई महीने वास्ते मैं जो मर्जी कर।